हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी ईसीआईसी की तरफ से यहाँ पे ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस निकला हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज निकले हुए अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से। हम लोग इसमें बात करेंगे आपका जूनियर इंजीनियर के जहाँ पोस्ट है, जहाँ पर डिप्लोमा और बीटेक दोनों ही एलिजिबल है। तो सीरियल नंबर 6 और 7 में आ जाइएगा, यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी है, अगर किसी का रिलेटेड होगा तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो सीरियल नंबर 6 में यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर, यहाँ पर आपको मेंशन है सिविल ब्रांच का। तो सिविल में अगर आपने बीटेक किया या फिर डिप्लोमा किया तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही एलिजिबल है। टोटल वैकेंसीज की यहाँ पे बात करें तो लगभग यहाँ पे आपका देख सकते हैं 50 वैकेंसी के आसपास यहाँ पे वैकेंसी है सिविल ब्रांच में। क्वालिफिकेशन यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे मेंशन है डिप्लोमा और डिग्री यहाँ पे एलिजिबल है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं। यहाँ पर एज लिमिट 30 ईयर्स रखा गया है आपको। सैलरी पे स्केल आपका यहाँ पे देख सकते हैं 6 का रहने वाला, तो इन सब में आपको कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें सीरियल नंबर 7 का, तो यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी निकला हुआ है, तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। अब वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग लगभग आपको 15 से ऊपर वैकेंसीज़ है, चेक कर लीजिएगा यहाँ पर जिनका आपका होगा। अब बात करें यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन का, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी सेम है, डिप्लोमा बोला गया या फिर आपका डिग्री बोला गया, यानी कि डिप्लोमा या फिर बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आपके पास, तो आप यहाँ पर एलिजिबल है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं। एज लिमिट या इसका भी आपको 30 ईयर्स रखा गया। सैलरी आपका सेम रहेगा, पे स्केल 6 का रहेगा। बाद बाकी जो भी पोस्ट हो वो आपका नॉन टेक्निकल है और कुछ में एक्सपीरियंस भी मांगा गया, तो चेक कर लीजिएगा अगर आपका रिलेटेड होगा तो। अब बात कर ले ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो यहाँ पर 8/4/2023 से एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और लास्ट आपका 27/4/2023 रात के 12 बजे तक यहाँ पे आपका अप्लाई हो सकेगा। सो अब बात करें ऑफिशियल वेबसाइट का, तो देख सकते हैं ये आपका यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पीडीएफ 8 तारीख को सुबह में, और यहीं से आप अप्लाई कर सकते रहेंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर चेक कर लीजिएगा, जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 072023 होना चाहिए, तो ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है, ये होना चाहिए, इसी पर आप अप्लाई कीजिएगा तो इस पोस्ट पर अप्लाई होगा। फीस की बात करें तो 25 रुपीज़ फीस रखा गया, तो कोई फीस में आपको दिक्कत आएगा नहीं। हर एक कैटेगरी का यहाँ पे देख सकते हैं यूआर का 25 रखा गया, तो बाद बाकी कैटेगरी को कोई प्रॉब्लम इसमें आने वाला है नहीं। अब बात करें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस का, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल आपका दोनों मिला के होने वाला है। आपका जो रिटर्न होगा 75% वेटेज रहेगा, 25% वेटेज आपका इंटरव्यू पर रहने वाला है, और आपका नॉन टेक्निकल जनरल अवेयरनेस रहेगा, देन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, और उसके बाद आपका जो बाकी रहेगा वो आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड रहेगा, जो भी आपका डिप्लोमा या फिर बीटेक रहेगा। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के लिए आपको इस यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा और अप्लाई करना होगा 8 तारीख को सुबह से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।